మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతోందని బీజేపీ నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఢిల్లీలోని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఓటర్ల జాబితా అవకతవకలు జరిగాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదు చేసిన బీజేపీ నేతల బృందంలో కేంద్ర మంత్రి మురళీధరన్, బీజేపీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ ఉన్నారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతోందని బీజేపీ నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఢిల్లీలోని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు జరిగాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलकर आया है और हमने न्याय गुहार लगाई है. उनसे निवेदन किया है कि जिस तरह केसीआर की टीआरएस उब्लिक चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास తెలంగాణ మే కర్ రహీ హై. మునుగోడు ఉపచునావ్ మే అప్ని గిర్తీ హుయి సాఖ్ హర్తీ హుయి పార్టీ కో దేఖ్ కర్ కేసీఆర్ సాహబ్ నే ఏక్ బడా షడ్యంత్ర రచా హై ఔర్ ఉస్ షడ్యంత్ర కే తహత్ 24,781 నే వోటర్స్ కి అప్లికేషన్ వహా లోకల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కే పాస్ పహుంచీ హై. యే ఏక్ అబ్నార్మల్ वोटर्स का डाटा एकदम आया है. पहले वहां लगभग 2000 वोट हर बार, हमने आरटीआई की एप्लीकेशन भी दी है कि वहां कभी भी 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आई, लेकिन इस बार ये 24,781 एप्लीकेशन यानी लगभग 40,000 लोगों की पॉपुलेशन कौन से क्षेत्र में आकर बसी है, ये कौन सी नई कॉलोनी, कौन सा नया क्षेत्र यहाँ शामिल हुआ है. जबकि ये सच है कि कोई भी नई कॉलोनी, नया क्षेत्र शामिल नहीं हुआ. ये 40,000 की जनसंख्या, झूठी जनसंख्या जो आसपास के क्षेत्र में रहती है, उसको यहाँ प्लांट करके यहाँ के वोटर्स क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास हुआ है. क्योंकि मुनुगुड़ू का चुनाव केसीआर साहब को पता चल चुका है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं और केसीआर की टीआरएस उब्लिक बीआरएस ये चुनाव हारेगी भी. इसलिए अपनी गिरती हुई साख से बचने के लिए ये षड्यंत्र उन्होंने रचा है और ये षड्यंत्र हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा है कि हमने उनसे निवेदन किया है कि जिन लोगों ने इस बैड प्रैक्टिस में, जिन ऑफिसर्स ने इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया है, उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. इसके अलावा जो वहां एक कमिश्नर हैं, पिछले 4 साल से वहां पर वो कमिश्नर हैं और जबकि सरकार की योजना है, चुनाव आयोग की आचार संहिता है कि जहां भी चुनाव हो 3 साल से ज्यादा अधिकारी अगर स्टे करा है तो उसे बदला जाएगा, लेकिन उसे भी वही रखा हुआ है, उसको बदला नहीं गया. और वहीं हमने एक आज तीसरा ऑब्जेक्शन भी दिया है कि केसीआर साहब ने अपना मिनी सचिवालय सेक्रेटरिएट हैदराबाद से मुनुगोडु ट्रांसफर कर दिया, सभी मंत्री वहां लगा दिए, सभी विधायक वहां बिठा दिए, सरकारी ऑफिसर्स फाइल लेकर मुनुगोडु में बैठे, मुनुगोडु के अंदर हैदराबाद का सचिवालय ट्रांसफर कर दिया गया है.
जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल है कि हर तरह से कोशिश करके मुनुगुड़ के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास केसीआर की सरकार कर रही है। हम उसका डटकर विरोध करते हैं और आज हमने इलेक्शन कमीशन से न्याय की गुहार की है कि इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा विश्वास है। देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को देश के चुनाव युग पर पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से हमें न्याय देंगे। सर वो केटीआर कह रहे हैं कि राजगोपाल रेड्डी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी ने दिया वो कॉन्ट्रैक्ट अगर 1% भी पैसे बीजेपी देती है तो हम चुनाव से हट जाएंगे। ऐसा है कि केटीआर साहब स्वप्न दुनिया में रहते हैं, केटीआर साहब स्वप्न दुनिया में रहते हैं, उनके पास हमारे कैंडिडेट राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है, निरुत्तर है, निशब्द है। उनके पास मुनुगुड़ में विकास के लिए भी बताने के लिए कुछ नहीं है, अपने अहंकार, अपने परिवारवाद और अपने भ्रष्टाचार पर भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। अपने हाथ से निकलते हुई सत्ता को देखते हुए वो अपने हाथ से निकलती हुई सत्ता को देखते हुए वो ये षड्यंत्र रच रहे हैं और झूठी अफवाहें चला रहे हैं। निश्चित रूप से मुनुगुड़ की जनता इस चुनाव में टीआरएस के कैंडिडेट को नहीं, टीआरएस के मुख्यमंत्री और टीआरएस के परिवारवाद, टीआरएस के वंशवाद को, टीआरएस के अहंकार को, टीआरएस के भ्रष्टाचार को हराएगी। ये मुकाबला राजगोपाल रेड्डी और टीआरएस के कैंडिडेट के बीच में नहीं है, ये मुकाबला तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के ऊपर सत्ता पर बैठे अहंकारी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी केसीआर कुटुंब के खिलाफ है। निश्चित रूप से केसीआर का कुटुंब ये चुनाव हारेगा और तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनने का सपना यहां से शुरू होगा। सेंट्रल ऑब्जर्वर के लिए कुछ डिमांड किया? हमने डिमांड की है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए वहां ऑब्जर्वर भी लगाया जाए और अर्ध